Hey guys, मैं हूं डॉक्टर अभिनीत गुप्ता और आज हम बात करेंगे कोरियन ग्लास स्किन ट्रीटमेंट के बारे में। तो कोरियन ग्लास स्किन ट्रीटमेंट क्या होता है? ये ट्रीटमेंट फेमस है कोरिया में बिकॉज कोरियन की स्किन आपने देखी होगी, कोरियन लोगों की वो बहुत ही ज्यादा क्लियर स्किन होती है, एकदम शाइनिंग होगी फेस में, चमकदार स्किन होगी और कोई भी पिगमेंटेशन नहीं होंगे और एकदम टाइट स्किन होगी। तो ये कैसे अचीव कर सकते हैं? इट्स वेरी सिंपल, मैं आपको आज करके भी दिखाऊंगा और ये इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मैं पिछले 2009 से मैं इसको ट्रीटमेंट को परफॉर्म कर रहा हूँ मेरी क्लिनिक पे और इसके रिजल्ट्स अल्टीमेट आते हैं। आपको टैनिंग हटानी है, आपको पिगमेंटेशन हटाने हैं, आपको दाग धब्बे, हाइपर पिगमेंटेशन है, आपको कलर वाइट करना है, कलर गोरा करना है, उसके लिए हर चीज़ के लिए ये रिजल्ट आपको बहुत अल्टीमेट मिलते हैं इसमें। और विद इन आपको 15-20 दिन में रिजल्ट आना चालू हो जाते हैं, उसके रिजल्ट आपको 1.5 से 2 महीने के अंदर 6 to 8 शेड लाइट हो जाता है। बहुत सारे जितने भी बॉलीवुड स्टार्स हैं सब चीज़ें हर चीज़ ये फॉलो करते हैं। इट्स वेरी 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 गुड ट्रीटमेंट, यू कैन से आपको 100% रिजल्ट इसमें मिलेंगे अगर आप इसको प्रॉपरली परफॉर्म करते हैं। जैसे इसको करने आप घर पे बैठ के इसको यूज़ कर सकते हैं और इसमें जिस तरीके से आपको बताया गया वैसा अगर फॉलो करते हैं तो 110% आपको रिजल्ट मिलेंगे, मेरी गारंटी है। बट हाँ, इसमें एक चीज़ और है, अगर आप इसको मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट 10 दिन भी नहीं चलेंगे, ये भी मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। रिजल्ट इसके अल्टीमेट है, बट मेंटेनेंस में क्या करना है, आपको सनस्क्रीन एडक्रीम लगाना है, अपने लिए 5 मिनट दिन भर में निकालना है। अगर आप 5 मिनट दिन भर में निकाल सकते हैं तो आपको इसके रिजल्ट सालों साल चलेंगे। इसमें करते क्या है, इसमें एक आपको एडवांस क्लियर स्किन किट है, ये आपको यूज़ करना है। ये आपको अगर आप वीटिश हैं तो आपको इसमें अराउंड 2 या 3 किट यूज़ करना रहेगा, 1 महीने के अंदर 1 किट यूज़ करना है, विच इज़ वेरी सिंपल। यूज़ करने का तरीका मैं आपको सिखा दूंगा, अभी बताऊंगा, आप देखिएगा पूरा वीडियो। और इसको आपको लगाने के बाद आपको 3-4 दिन में थोड़ा डेड लेयर निकलेगा। ये बेसिकली आपके पिगमेंटेशन जो पिगमेंट होते हैं, कलर पिगमेंट होते हैं, उसको उनका नेक्रोसिस करता है, जो मेलानिन पिगमेंट होता है। 32 जर्मिनेटेड सेल के बीच में एक मेलानोसाइट होता है, मेलानोसाइट इज अ फैक्ट्री ऑफ मेलानिन पिगमेंट विच प्रोड्यूस मेलानिन पिगमेंट, एंड मेलानिन पिगमेंट जब यूवी रेज के टच में मेलानोसाइट आते हैं तो मेलानिन पिगमेंट को जनरेट करते हैं विच गिव्स अवर स्किन कलर। स्किन कलर होने के बहुत ज्यादा एक कलर हमारी जो स्किन में हमारा कलर देख रहे हैं वो डिफरेंट रीजन से अलग अलग शेड लोगों को आता है। आपने देखा हो कोई ग्रीनिश वाइट है, कोई पिंकिश वाइट है, कोई येलोइश वाइट है, तो क्यों होता है? हमारे स्किन में जो कलर होता है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट है मेलानिन पिगमेंट, जो काला रंग होता है मेलानिन पिगमेंट के कारण हमारा कलर दिखता है। एक होता है हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो हमारे ब्लड के अंदर होता है हीम, और दूसरा होता है फ्यूमेलानिन एंड यूमेलानिन, एंड होता है एक बाइल पिगमेंट। बाइल जो आपने देखा होगा जॉइंटिस में पेशेंट येलो पीले पड़ जाते हैं बिकॉज उनके बॉडी में बाइल पिगमेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है, ये किट सिर्फ मेलानिन पिगमेंट जो आपका ब्लैक पिगमेंट होता है उसको ही खत्म करता है, उसको ही रिमूव करता है। इसका काम सिर्फ फेस का क्लियर आउट करना है, जो एक्जिस्टिंग पिगमेंट है उसको रिमूव कर देगी, आपका कलर साफ हो जाएगा, एकदम 6 to 8 शेड लाइटर हो जाएगा, आप गोरे हो जाओगे, पिगमेंटेशन दाग धब्बे टैनिंग सब साफ हो जाएगा। बट ये आपको न्यू पिगमेंट को ब्लॉक करने के लिए आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन कैसे करना पड़ेगा, मैं अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि आप यूवी मैक्स सनस्क्रीन है, ये मेडिकेटेड सनस्क्रीन है, प्लीज़ हमेशा मेडिकेटेड सनस्क्रीन लगाएं। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती है, 450 रुपये की आती है और 1-1.5 महीना चलती है, आपको ये अप्लाई करना है। साथ ही साथ इसके साथ किट के साथ एक डर्मागोल्ड आता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके न्यू पिगमेंट को बनने से ब्लॉक करेगी। याद रखिएगा, आपको हम इस ट्रीटमेंट किट के थ्रू पिगमेंट को रिमूव कर रहे हैं, जो भी चेहरे पे पिगमेंटेशन होगा उसको हम रिमूव करेंगे और न्यू पिगमेंट ना बने उसके लिए आपको ये डर्मागोल्ड डेली नाइट में अप्लाई करना है। एक चने के दाने बराबर लेके 1 ग्राम लेके इसको अप्लाई करके इसको आपको डेली उसको मेंटेन करना है। अगर आप बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट देख रहे हैं कि आपको चाहिए कि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मेंटेन चाहिए, तो मैं अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि आप यूवी स्पार्क ओरल सनस्क्रीन साथ में लें। यूवी स्पार्क ओरल सनस्क्रीन क्या करता है, बेसिकली आपके फुल बॉडी को धूप के डैमेज से बचा के रखेगा। जो फिजिकल सनस्क्रीन होती है 1.5 से 2 घंटे में रीअप्लाई करना पड़ता है, बट वो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि यूवी स्पार्क ओरल सनस्क्रीन खाने वाली सनस्क्रीन में खाएंगे तो आपकी फुल बॉडी को धूप के डैमेज से 6 to 7 hours तक बचा के रखती है। साथ में अगर ज़्यादा शाइन चाहिए तो आप ये मैक्स ग्लो ले सकते हो, जो बहुत ज़्यादा शाइनिंग इफेक्ट देगा। और साथ ही साथ पिगमेंटेशन को कंट्रोल करने के लिए से ये साइक्लिकल थेरेपी है फ्लुएंस फार्मा की, आप इसको ले सकते हैं। इसके अंदर लिखा है कि किस दिन कौन सी गोलियां दवाइयां खानी है, इसके अंदर सब मेंशन होता है। इसमें विटामिन डी भी मिलेगा आपको, ऑल अमाइनो एसिड, विटामिन सी, हर चीज आपको इसमें मिलेगी और ये आपके अंदर से पिगमेंटेशन को कंट्रोल करेगा। ये तो एक्सट्रीम लेवल पर होगा कि आपको बहुत ज्यादा केयर चाहिए करना है, तो वरना ये किट सफिशियंट है एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देने के लिए। तो इसके अंदर आता क्या क्या है,
इसके अंदर एक विटामिन सी एम्प्यूल आता है विच इज वेरी हाईली इफेक्टिव और विटामिन सी है जो आपको फेस को सबसे पहले क्लियर आउट करना है. स्पिट्स आप क्लीन कर सकते हैं फेस को. इसके बाद आपको ये एम्प्यूल को निकालना है एक वायल में किसी में ग्लास के उसमें कंटेनर में और ब्रश के सहायता के थ्रू आपको उसको अप्लाई करना, मैं लगा के दिखाऊंगा. और उसको लगाने के बाद 5 मिनट बाद उसको लगा के ड्राई आउट होने दीजिए और फिर ये जो पाउच आता है इसमें जो एडवांस क्लियर स्किन किट है इसको अप्लाई करके सर्कुलर डायरेक्शन में मसाज करके 6 to 8 आवर्स के लिए छोड़ना है. मैं आपको अभी सब कुछ करके दिखाऊंगा तो आपको कुछ नहीं. नेक्स्ट डे आप उसको वॉश आउट कर सकते हैं 6 to 7 आवर्स 8 आवर्स तक रखने के बाद. 3-4 दिन बाद आपकी थोड़ी थोड़ी डेड लेयर निकलेगी. माइट भी थोड़ी स्किन सेंसिटिव हो सकती है स्टार्टिंग में बिकॉज जब आप डेड लेयर निकलती है तो थोड़ी इचिंग और बर्निंग सेंसेशन हो सकते हैं. आपको कुछ नहीं करना, अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, दिन में सनस्क्रीन लगाइए और कुछ नहीं करना, रिलैक्स रहिए. नेक्स्ट डे से आपको वॉश आउट करने के बाद नाइट में इस क्रीम को सिर्फ नाइट में लगाना और सिर्फ फेस पे लगाना, इसको नेक पे नहीं लगाना है. नेक के लिए इंस्ट्राइट पैक आता है, बहुत डिफरेंट चीज है. तो इसको सिर्फ आपको फेस पे अप्लाई करना है. डेली फेस पे अप्लाई कीजिए, आपकी डेड लेयर 3-4 दिन में निकलना स्टार्ट होगी. डेड लेयर के निकलने के बाद धीरे धीरे आपके पिगमेंटेशन भी रिमूव होना स्टार्ट होंगे, कलर साफ होना स्टार्ट हो जाएगा. आपको 15-20 दिन में दिखने लगेगा रिजल्ट, यस आने लगा. किसी को एक किट यूज होती है, किसी को 2 किट यूज होती है और एकदम ड्रास्टिक चेंज होना है, एकदम बिल्कुल चकाचक चाहिए तो आपको 2 से 3 किट यूज करना पड़ सकता है. और उसके बाद आपको मेंटेनेंस में आपको सनस्क्रीन नाइट क्रीम हमेशा उसको अप्लाई करके मेंटेन करना है. अगर आप मेंटेन करेंगे तो रिजल्ट सालों साल चलेगा, मेंटेन नहीं करेंगे तो रिजल्ट 10 दिन भी नहीं चलेगा. आप गोवा जाओगे, घूम के आओगे, सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो फिर डाउन हो जाओगे, फिर आओ फिर 1 किट लगाओ फिर गोरे हो जाओ. तो गाइज जो कोरियन ग्लास स्किन ट्रीटमेंट, तो ग्लास स्किन होता क्या है, आपकी ऐसी स्किन जिसमें कोई भी पिगमेंटेशन ना हो, कोई भी दाग धब्बे नहीं, एकदम स्मूथ और क्लियर, फ्रेकल फ्री, पिगमेंटेशन फ्री, एकदम इवनली चमकदार, शाइनी, टाइट स्किन हो, दैट्स कॉल्ड ग्लास स्किन ट्रीटमेंट. तो मैं आपको इसको परफॉर्म करके दिखाऊंगा, बने रहिए साथ में. सबसे पहले हमें स्प्रिट लेना है, स्प्रिट से लेके फेस को क्लीन करना है. इसको कहते हैं डीग्रीजिंग. जितना भी ऑयल होता है फेस में आप फेस वॉश करने के बाद डीग्रीज करना है आपको, ताकि ऑयल वहाँ से हट जाए और फेस पूरा ऑयल फ्री होके जब भी हम जो सॉल्यूशन लगाएंगे वो इवनली एब्जॉर्ब हो जाए. तो हमने इसको स्प्रिट से पूरा क्लीन कर दिया है फेस को. इसके बाद आपको ये विटामिन सी एम्प्यूल लेना है तो साथ में आएगा. उसको किसी भी बाउल में पोर करना है. ये बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड विटामिन सी है. इसको आपको ब्रश से लेना है और इसको अप्लाई करना है पूरे फेस पे. इसमें विटामिन सी भी है, ग्लूटाथियोन भी है, इसमें बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो हमारी स्किन को पिगमेंट फ्री बनाएगी. बेसिकली इस ट्रीटमेंट के थ्रू हम जो मेलेनिन पिगमेंट होता है उनका नेक्रोसिस करते हैं ताकि वो धीरे धीरे रिमूव हो जाए. एक बार जब पिगमेंट ब्रेक हो जाता है, डेड हो जाता है मेलेनिन पिगमेंट, तो वो स्लोली रिमूव होना चालू रहता है. मैक्रोफेजेस और जो फेगोसाइट्स होते हैं उसको एनगल्फ कर लेते हैं और वो एब्जॉर्ब हो जाता है, बॉडीज को रिमूव कर देती है. जैसे पिगमेंटेशन रिमूव होगा, पिगमेंट रिमूव होंगे, आपको फेस क्लीन दिखने लगेगा. बहुत से लोगों को दिक्कत होती है लाइक फेस पे एक्ने स्पॉट आ गए हैं, हाइपर पिगमेंटेशन है, स्ट्रेस इंड्यूस पिगमेंटेशन होता है, मेलास्मा हो रहा है किसी को, फीमेल्स को होता है, बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं हम उसको इससे ट्रीट कर सकते हैं. इसको अप्लाई करने के बाद आपको 5 मिनट छोड़ना है ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और ये उसको बेस को एक हम बेस बना रहे हैं इसका, तो वो ट्रीटमेंट फर्दर ट्रीटमेंट सेकंड स्टेप का हम बेस बना के कर रहे हैं. इसके बाद ये आपको पाउच लेना है. ये पाउच को आपको इसमें डायरेक्शन लिखा है वैसे पूरा, आप उसको पढ़ेंगे तो पूरे डायरेक्शन दिए हुए उसमें. पाँच मिनट वेट करने के बाद आपको इसको इसके बाद आपको इसको लेना है और इसको सर्कुलर डायरेक्शन में अप्लाई करना है. ये स्लोली एब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन में और उसको सर्कुलर डायरेक्शन में एब्जॉर्ब करा के आपको 6 to 8 आवर्स तक छोड़ना है. डिपेंड करता है आपकी अगर स्किन थिक है और ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो आप 8 आवर्स तक लगाएंगे, वरना इसको 6 घंटे में भी आप इसको वॉश आउट कर सकते हैं. इसको फिंगर से ही लगाइएगा ताकि वो अच्छे से लग जाए और एब्जॉर्ब हो जाए. आप ब्रश लगाएंगे तो वो सब वेस्ट हो जाएगा. आप घर में खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है. आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी पार्लर किसी क्लिनिक पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक घर पे ही फॉलो कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो.
अगर आपका चेहरा छोटा है आप इसको बचाओ, नेक पिन लगा सकते हैं। ये 3-4 दिन बाद आपकी डेड लेयर को निकालेगा, डेड लेयर रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगी और फिर धीरे धीरे कलर भी साफ होना चालू हो जाएगा। पहले डेड लेयर निकलेगी फिर पिगमेंटेशन रिमूव होना चालू होंगे। अभी इसको ये धीरे धीरे 10-15 मिनट में पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, आप आराम से इसको छोड़ दो और नेक्स्ट डे आप 6-8 आवर्स बाद आपको नॉर्मल पानी से वॉश आउट करना है। नॉर्मल पानी से वॉश आउट करने के बाद आप सनस्क्रीन लगा के डेली उसको छोड़ दें। और अगर जब डेड लेयर निकलेगी आप उसमें अगर स्किन ड्राई हो रही तो आप मॉइस्चराइजर लगाइए डेली ताकि स्किन ड्राई ना हो। और डेली नाइट में आपको डर्माकोल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको लगानी है। अभी आपने देखा किस तरीके से हमने कोरियन ग्लास स्किन ट्रीटमेंट को परफॉर्म किया। इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल सी एक किट लेनी है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी www.lescomic.com पे। इसकी प्राइस है 10,000 रुपीज विच कम विद दिस डर्माकोल अलॉन्ग विद दिस डर्माकोल अलोन। डर्माकोल की प्राइस ही 3600 है बट ये किट के साथ में आती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रीम है, आपको इसको लगा के मेंटेन करना है। तो दिस किट अलॉन्ग विद दिस डर्माकोल विल कम अराउंड 10,000 रुपीज। आप इसको जाके परचेस कर सकते हो, मैं नीचे लिंक में डाल दूंगा। और बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर बैठ के आप इसको परफॉर्म कर सकते हो और रिजल्ट टनाटन मिलेंगे आपको। अगर जैसा मैंने बोला है वैसा फॉलो करेंगे तो रिजल्ट 110% मिलेंगे, मेरी गारंटी है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो रिजल्ट 10 दिन भी नहीं चलेगा। अगर आपको रिजल्ट आ जाता है और फिर धीरे धीरे 2-3 महीने में चला जाता है तो याद रखिएगा आपको प्रॉपर मेंटेन करना है। और अगर मेंटेन नहीं करें तो ही जाएगा रिजल्ट, धीरे धीरे आपका वो कलर टैनिंग या धूप में जाते हैं, आप गोवा चले, मैं बहुत सारे पेशेंट गोवा जाते हैं वो पूरे टैनिंग करके आ जाते हैं। तो अगर ऐसा हो भी जाता है तो आपको इससे सिंपल सी बात है एक किट यूज़ करना है और वो पूरी टैनिंग साफ हो जाएगी। ये आपको स्टार्टिंग में सिर्फ आपको ये किट 2 या 3 किट यूज़ करना है, उसके बाद आपको सिर्फ मेंटेनेंस के लिए क्रीम लगाना है, इसके अलावा कुछ मेंटेनेंस नहीं है, आपको सिर्फ सनस्क्रीन और ये नाइट क्रीम अप्लाई करना है मेंटेनेंस के लिए। और ज़्यादा शाइनिंग चाहिए तो आप ये मैक्स ग्लो ले सकते हो, बहुत चेहरे में चमक दे देगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो यूवी स्पार्क ओरल सनस्क्रीन ले लीजिए, ये जनरली 200-200 रुपये का ही आती है। और ये स्किन पर पिगमेंटेशन किट लेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो गाइस वेट क्या करो, फटाफट जाओ www.lescomic.com पे और वहाँ पे जाके इसको परचेज करो और चटाचट पूरा स्किन को क्लियर आउट कर दो। कोई भी तरीके का पिगमेंटेशन है, चाहे वो फ्रिकल्स हो, चाहे वो एक्ने के मार्क्स हो, चाहे वो हाइपर पिगमेंटेशन हो, चाहे वो मिलेज्मा, आपने देखा होगा मिलेज्मा आ जाता है लोगों को, तो वो भी इससे पूरा साफ हो जाएगा। बट यस, अगर मिलेज्मा है तो साथ में आपको कुछ मेडिकेशन एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप मेरे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, मैं आपकी स्किन कंडीशन देख के आपको एक्जैक्टली बताऊंगा कि आपको साथ में क्या फॉलो करना है। रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। और मेरी आईडी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता इंस्टाग्राम पर मैं वेट करूंगा, कोई भी डाउट है मुझे वहाँ पे आके मैसेज कर सकते हैं। तब तक लिए